हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग सेंटाई सीरीज के बारे में। अब जैसा कि हमको पता है कि नई सेंटाई सीरीज आने वाली है जिसका नाम है बाकुएत सेंटाई बून बोमगर। अब इसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। वैसे तो इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं आई है, सिर्फ इसकी रिलीज डेट पता चली है, साथ ही इसका फर्स्ट प्रमोशनल जो उन्होंने पोस्टर निकाला है वो हमारे सामने आया, तो इसी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं और क्या है मेरे फर्स्ट व्यूज वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी अपने फर्स्ट व्यूज मेरे साथ शेयर करना कमेंट बॉक्स में। तो अब बिना किसी तरीके इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर बात करें इसकी तो ये रिलीज होने वाला है 3 मार्च 2024 को, मतलब 3 महीने हैं अभी इसके रिलीज में, तो बहुत टाइम है। पोस्टर रिलीज हो चुका है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पोस्टर के ऊपर बढ़ूँ तो देखने में पोस्टर बहुत सही लग रहा है। 3 रेंजर्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास है बून रेड, बून ब्लू और बून पिंक। अब इनके थोड़े कॉस्ट्यूम वगैरह के ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि प्रमोशनल पोस्टर में इन्होंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है और साथ ही इसकी थीम वगैरह भी देख कर पता चलती है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो बात करें अगर इसके पोस्टर की तो यहाँ पर जो इनका सूट है वो दिखने में ना जैसे फार्मूला 1 ड्राइवर रहते हैं ना, जो उनकी तरह इनका सूट दिखने में लग रहा है। ऊपर से अगर बात करें ना इनके हेलमेट वगैरह की, तो हेलमेट में ना टायर्स वगैरह बने हैं, तीनों के डिज़ाइन डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा वियर्ड तो देखने में लगता है शुरुआत में, क्योंकि थोड़ा ऐसा लगता है जैसे ज़बरदस्ती इनके हेलमेट में इन टायर्स को फिट किया गया हो, थोड़ा देखने में वियर्ड लग रहा है। लेकिन ठीक है, अगर सूट्स की तरफ ध्यान दें तो सूट्स तो ठीक लग रहे हैं, मतलब बात करें ट्रेडिशनल सूट्स की जो कि बहुत ही ज़्यादा वैसे थे, चिपके हुए थे, ये थोड़े खुले खुले से सही लग रहे हैं। थोड़ा डिफरेंट अप्रोच को इस बार ट्राई किया गया है। सूट्स के ऊपर हाइलाइट्स की बात करें तो इनके हेलमेट्स के बारे में तो हमने बात कर लिया, जिनमें व्हील्स को जोड़ा गया है, ठीक लग रहे हैं, थोड़े वियर्ड हैं लेकिन ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इनके हाथ पे ध्यान दें तो हाथ पे हमें कुछ एक वॉच टाइप कुछ दिख रहा है। इसके अलावा बेल्ट पे भी फोकस किया गया है, बेल्ट पे भी इनका शायद टायर्स के वो बने हैं। इसके अलावा सूट्स ठीक ठाक लग रहे हैं। और अगर मैं बात कर रहा था थीम की तो डेफिनेटली ये थीम कार थीम होने वाली है, या व्हीकल थीम बोल सकते हैं इसको, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा इसका पूरा। साथ ही पीछे कार खड़ी है, मे बी ये कार भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकती है इनकी, क्या पता इस कार का भी कोई इम्पॉर्टेंट रोल हो। इसके अलावा सिटी तो ब्यूटीफुल लग ही रही है, साथ ही इनके शूज़ में भी टायर को ऐड किया गया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है ये सीरीज़। ओवरऑल मैं यही कहूँगा, मतलब अभी तक तो इसका जो फर्स्ट लुक है उसने मुझे इम्प्रेस किया, क्योंकि एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ की गई है। इससे पहले भी जहाँ व्हीकल थीम्स को अडॉप्ट किया जाता था या व्हीकल थीम का यूज़ किया जाता था उस पर डिज़ाइन थोड़ा अलग रहता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब फुल्ली व्हीकल थीम पर ये बेस्ड होगी। मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ पर इंसान भी हो वो व्हीकल ही ना हो। देखते हैं आगे क्या होता है इस सीरीज में जब ये सीरीज रिलीज होगी, लेकिन अभी मेरा जो फर्स्ट ओपिनियन है, या बोलूँ मेरे को जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है वो यार अच्छा है, मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। सूट्स मुझे अच्छे लगे, बाकी जो थीम इन्होंने पिक करी है वो भी अच्छी है, तो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या कमाल करते हैं इस सीरीज के साथ। आपको ये सूट्स वगैरह कैसे लगे, प्रमोशनल पोस्टर कैसा लगा और क्या आप एक्साइटेड हैं इस सीरीज के लिए, ये आप हमें बता सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो पे।